हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे मैं आज आपको एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताऊंगा कि जैसे हमें कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है तो बच्चे लोगों को भी इंक्वायरी था कि सर हमें कॉलेज अलॉटमेंट हुआ लेकिन हम कैसे चेक करें उसको, यहाँ तक कि राउंड वन राउंड टू जो भी जिनको आया हुआ है वो भी अभी कन्फ्यूज़न में है। तो राउंड टू तो आ चुका हुआ है लेकिन कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है, मतलब राउंड टू आ चुका है, दैट इज़ मीन फॉर्म फिलअप आ चुका हुआ है। यहाँ पे मैं ऐसे बच्चों के बारे में बता रहा हूँ जिन्होंने मतलब कि कॉलेज प्रेफरेंस 1, 2, 3 जो रखा था वो नहीं आया हुआ है और उनको दूसरे कॉलेजेस चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने लॉगिन कर लिया हुआ है और यहाँ पे मैं आके अब पहले ये चेक करूँगा कि जो राउंड वन है उसमें मुझे मेरा क्या डॉक्यूमेंट जो मैंने फ़िलअप किया था इंफॉर्मेशन वो प्रॉपर तरीके से है और मुझे जो कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है वो किस राउंड में हुआ है, राउंड वन में हुआ है या राउंड टू में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक अलॉटमेंट स्टेटस देख सकते हो। ये देखिए यहाँ पे मुझे अभी कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है एसके सोमैया। ठीक है, ये मुझे कॉलेज अलॉटमेंट हुआ, ये राउंड वन पे अलॉट हो चुका हुआ है। अगर जिस बच्चे को चाहिए कॉलेज तो वो बच्चे ले सकता है, लेकिन यहाँ पे देखिए 1, 2 करके लिखा हुआ है, यहाँ पे रीज़न दिया हुआ है। पहले तो कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हो पाया था, फिर बाद में इसको अलॉटेड हो गया है। रीज़न यहाँ पे आता है जनरल है, प्योर जनरल है और उसका मार्क्स है 4,858 है। ठीक है, तो ये आपका कॉलेज अलॉटमेंट किया गया राउंड वन में, तो बच्चे को राउंड वन में ही क्या हो गया मिल गया है, तो उसको राउंड टू की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, ऐसे बच्चे जिनको कॉलेज नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हो कि एडमिशन अपना कैंसिल करवा के एडमिशन ले सकते हो। उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Bye.